बता दें, विगत दिनों संत कबीर नगर जिले में 3 बिस्सा जमीन के बैनामे को लेकर 29 बिस्सा जमीन बैनामा करने के मामले में पुलिस ने दस्तावेज लेखक की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए जांच कर दोषी पाए जाने के मामले में दस्तावेज लेखक तेज प्रकाश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में आपको बता दें कि खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के नेदुला गांव में रमा प्यारे नामक ग्रामीण से 3 बिस्सा जमीन बैनामा कराने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय गया और गुप्त तरीके से जमीन को बैनामा कराकर दस्तावेज में अंकित करा दिया। जब यह बात राम प्यारे किसान को पता चली तो दर्जनों किसान के साथ उसने कोतवाली का घेराव किया और एसपी और डीएम को इससे संबंधित ज्ञापन सौंपा। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिले के अधिकारियों ने तत्परता से कार्रवाई की। मामले में दस्तावेज लेखक खरीदार राजू मिश्रा और राहुल कुमार को आईपीसी एक्ट के तहत 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी, 504, 506 के तहत पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया। पूरे मामले का पुलिस अधीक्षक ब्रजेश सिंह प्रेसवार्ता करते हुए खुलासा किया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। देखिए 20/8/2019 को एक चर्चित भूमि का बैनामा हुआ था जिसमें गरीब लोगों की 3 बिस्वा जमीन को बताते हुए 30 बिस्वा जमीन की सौदेबाजी कर दी गई थी। करोड़ों का वो भूमि था। इसका जब मामला संज्ञान में आया तो हम लोगों ने अभी पंजीकृत करा दिया था सुसंगत धाराओं में। इसके बाद नामजद 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके हम लोगों ने जेल भेजा है आप ही के माध्यम से इसी सप्ताह। अब उसी से संबंधित एक जो दस्तावेज लेखक थे इनकी भूमिका भी पाई गई, इनका नाम का इजाफा किया गया है और इनकी गिरफ्तारी की गई है। खास बात ये है कि जब क्रय विक्रय हुआ है जिस दिन, उसी दिन एक बार क्रय विक्रय होने के बाद जिन लोगों ने क्रय किया था उनसे इन्होंने खरीद लिया है ज़मीन को। इससे इनकी भूमिका साबित हो गई है कि ये पूरे के पूरे एपिसोड में लिप्त थे, अतः इनकी गिरफ्तारी की।